करना चाहते हो? तुम्हारा मुझे, और अगर नहीं तो फिर मान लो कि मैं तुम्हारा भाई हूं यहूदा। भाई भाई भाई, मेरे भाई, मेरे भाई। अच्छा महसूस करोगे। अब वक्त आ गया है, तुम अपनी ताकत पालो। नीचे बैठो, नीचे। पीलो, पालो अपनी ताकत। उस दिनों धोखे से वार करते हो, काफिरों सामने आओ। इन लोगों ने मेरे भाई के साथ क्या कर दिया? जिंदा है। अल्लाह का शुक्र है, तुर्कुत अभी जिंदा है। जल्दी से इन्हें कबीले लेके चले। और तुरुल का जख्म गहरा है, उन सलीबियों की तलवारों में इतनी ताकत नहीं, यकीनन किसी और ने इन्हें मारा है। दुआन, तुर्गुत के जिस्म पर खून तो बहुत लगा है, लेकिन जख्म कहीं नजर नहीं आ रहा। तुम इधर आओ, आकर देखो ना जरा। देखता हूँ। मेरे भाई आपको किसने मारा है? बताए ना मुझे भाई, मैं उनके कलेजे निकालकर चीलों को खिला दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। बहुत खून बह गया है, तुम जल्दी उतार कर दो मुझे। जल्दी दो। किस चीज से तुम्हें उन्होंने मारा है तुर्गुत? मुझे जख्म नजर क्यों नहीं आ रहा? मेरे भाई, या अल्लाह हमारी मदद फरमा। कहां छुपे हैं वो काफिर? आपने यानी अर्तुरुल भाई को भी तुमने मारा है? पागल हो गए हो? तुम होश में आओ जरा।
क्या कर रहे हो तुम? मुझे इतना दुख उस वक्त नहीं हुआ था जब मेरे माँ बाप को मंगोलों ने मार डाला था। मैं तुम्हें इतना दर्द पहुँचाऊंगा कि तुम्हारी चीखें आसमान को चीर देंगी। एक बार बोल दो तुमने नहीं किया ये। अगर तुमने ये किया है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुर्गुत, तुर्गुत, या अल्लाह, मुझे इन सलीबियों की चाल लेने से पहले शहादत ना दे दो। कोई भी बच के जाने ना पाए, हमला करो। मेरे भाई, क्या हुआ तुम्हें? या अल्लाह मदद फरमा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा, अल्लाह मदद करने वाले। या अल्लाह,
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम सल्तनत सलजूक के हुक्मरान अलाउद्दीन कैकाबाद की जानिब से भेजे गए सफीर हैं। आपके सरदार सुलेमान शाह के लिए पैगाम लाए हैं। खुश आमदीद, सफर अच्छा गुजरा होगा आपका। मैं सुलेमान शाह को इत्तला देता हूँ। ठीक है। इसे थोड़ा और कस के बांधो ताकि ये मजबूत हो जाए, और धागों की लंबाई बराबर रखो ताकि और खूबसूरत हो जाए। इतने प्यार से पेश मत आओ उनके साथ, फायदा उठाएंगे तुम्हारी नरमी का। क्या बात है, तो गोया अब तुम गोपचे के मातहत काम करोगी सलजान। अपने काम से काम रखो गुर्दोगलू। कहाँ है? सिपाहियों के साथ गया है मवेशियों के गाहक ढूंढने के लिए। क्या तुम्हें यकीन है? दातु सारपुत के साथ सौदा हो तो गया है, खुदा करे कि ख्याल सही निकले तुम्हारा। सब खैरियत तो है गुर्दोगलू, ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? इसका नाम अरसगुन है, सलजूक का सिपाही है ये, और इसका यहाँ आना यकीनन किसी गड़बड़ का पेशखेमा है। बाप तो उसका मर गया, मगर भाई अब तक मुसीबत बना हुआ है, पता नहीं कब जान छूटेगी इन लोगों से। खुदा ना करे फिर किसी मुसीबत में ना पड़ जाए हमारा कबीला इनकी वजह से। ईवा की तरह जान छुड़ा लो उससे। हलीमा सुल्तान से इतनी जल्दी जान नहीं छूटेगी। सरदार, सुल्तान अलाउद्दीन का सफीर आपसे मुलाकात का मुंतजिर है। अंदर बुलाओ उसे। सुलेमान शाह आपके मुंतजिर है। हथियार दे दे। रहने दो। खुश आमदीद मेरे भाई, सफर अच्छा गुजरा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुलेमान शाह, इस मुलाकात को अपनी खुशनसीबी समझता हूं मैं। खुशी हुई, आइए तशरीफ रखिए। आपकी सेहत और कबीले के हालात पहले से बेहतर लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आजमाइशों में अल्लाह ने हमें सुरखरू किया, बहुत शुक्र है उसका। जी हम जानते हैं, शहजादों की वजह से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है आपको। कारा तोयगर ने जो कुछ भी किया उससे हम बखूबी वाकिफ हैं। कारा तोयगर ने तो सबको मुश्किल में डाला हुआ था। उम्मीद है कि सुल्तान अलाउद्दीन मासूम शहजादे का ख्याल करते हुए किसी कारा तोयगर जैसे शख्स को नहीं भेजेंगे। वाह वाह वाह, तलवारबाजी का एक माहिर गुर्दोगलू, वैसे तुम्हारी जबान भी तलवार की तरह तेज है। सुल्तान की तरफ से ये मसला खत्म हो चुका है, खास तौर पर अर्तुरुल ने हलब में जो कारनामा सर अंजाम दिया है वो काबिले सताइश है। उसने आलम इस्लाम को बहुत बड़ी खूनरेजी से बचाया है। कोनिया में हर सु अर्तुरुल का ही चर्चा किया जा रहा है। सुल्तान अलाउद्दीन ने यहाँ आपको किसी खास पैगाम के साथ भेजा होगा, खैरियत होगी इंशाल्लाह। ये रियासत के मामलात हैं गुर्दोगलू, सुलेमान शाह के अलावा मैं किसी को नहीं बता सकता। हाँ, ये अगर खुद आपको बता दे तो अलग बात है।
हमें अकेला छोड़ दो कुर्दोगलो। इजाजत के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता इस कबीले में। बहुत जल्द जान जाओगे तुम। कहिए, ऐसा क्या मसला पेश आ गया है? सुलेमान शाह, आलम इस्लाम बुरी तरह खतरों की जद में है। मंगोल लुटेरों का खतरा अनातोलिया की सरहदों तक तकरीबन पहुंच चुका है। इन हैवानों को लगाम डालना जरूरी है। अगर जल्द कुछ न किया गया तो अनातोलिया तबाह हो जाएगा और बहुत खून खराबा होगा। मंगोलों की बर्बरियत को भला हमसे बेहतर कौन जानता होगा? बेशक, जब हमारे भाईचारे और इत्तेहाद को फितनों ने आ घेरा तो मंगोलों ने भरपूर फायदा उठाया उसका। सुल्तान अलाउद्दीन चाहते हैं दोबारा ये ताकत कायम हो। कैसे? अय्यूबियों के साथ इत्तेहाद से। सुलेमान शाह, शुक्र है इत्तेहाद के दिन लौट आए। यही वक्त का तकाजा है अरसगुन कि हम एक दूसरे की मदद करें। सुल्तान के दिल में इत्तेहाद का बीज आपके होने हर सपूत अर्तुरुल ने बोया है सुलेमान शाह। इसके सिले में आप और आपके फर्जंद के लिए सुल्तान ने नेक तमन्नाओं का पैगाम और दुआएं भेजी है। उनके भेजे गए तहाइफ कबूल फरमाइएगा। जज़ाकल। तोहफे तहाइफ अंदर लाए जाए। सुल्तान अलाउद्दीन का शुक्रिया। खुश रहे। इस इत्तेहाद को देरपा बनाने के लिए रिश्तों को जोड़ना बहुत जरूरी है और इसी बिना पर शाम की शहजादी को सुल्तान निकाह का पैगाम भिजवाना चाहते हैं। बहुत समझदारी का फैसला है ये अरसगुन। सुल्तान अलाउद्दीन ने इस तकरीब के इंतजाम मेरे सुपुर्द किए हैं और सारा कारवान हलब शहर में मुंतजर है मेरा। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? सुल्तान इस कारवान की हिफाजत के लिए अर्तुरुल और उसके सिपाहियों की मदद चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि अजीमुशान दावत में आप और आपके फर्जंद से मशवरा किया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन की ख्वाहिश और दावत हमारे लिए शरफ है। अर्तुरुल सफर पर है, उसके वापस आते ही कारवां की हिफाजत के लिए उसे रवाना कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुलेमान शाह। बस एक गुजारिश और है आपसे। वो क्या है? हलीमा सुल्तान और शहजादा यगित हमारी इत्तलात के मुताबिक आपके कबीले में मौजूद है। यह मुलाकात मुझे खतरे की घंटी लगती है सुलजान। तुम क्या कहती हो इस बारे में? सलजूक के सुल्तान ने इस कबीले में अपने सिपाहियों को भेजा है, वो भी अपनी राजदारी से। जरूर कोई खास बात है कुर्दोगलू। यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। अर्तुरुल के सलजूक के साथ साथ हलब में भी खूब तारीफें हो रही हैं। सुल्तान ने तो ताहिब भी भेजे हैं। अर्तुरुल और उसके बाप के लिए ही होंगे यकीनन। मैं कबीले के मौजज़ीन से गुंडोगदू को सरदार बनाने की बात करता हूँ और तुम अपने शोहर को तैयार करो। बाप का साथ देने के बजाय मेरी हिदायत पर अमल करें। उसकी फिक्र ना करो तुम। सुलेमान शाह और अर्तुरुल का हर खेल बिगाड़ दूंगी मैं। आफरीन। बाबा की तरह वो लोग मेरे पीछे लग जाएंगे, मुझे मार देंगे या इशारों पे चलाएंगे अपने। हमें तो बाबा की कब्र भी नहीं मालूम, वरना हम वहां जाके फातिहा ही पढ़ लेते। ऐसा ना हो कहीं मेरा हाल भी बाबा की तरह हो। बाजी, अर्तुरुल के होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है यकीन। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा तुम्हें। बिल्कुल भी खौफजदा नहीं हूं मैं अपने लिए बाजी, यकीन करें। मगर मेरी वजह से आप पर कोई आंच आए मैं नहीं चाहता। फैसला कर लिया है मैंने।
मुझे मालूम है बहुत दुख झेले हैं आपने। आपने मुझे एक दोस्त, एक बड़ी बहन और माँ बन के पाला है। मेरी पैदाइश के बाद से आपने सुख नहीं देखा कोई, बस अब बहुत हो गया। आप दोनों के लिए मजीद परेशानी का बाइस नहीं बनना चाहता मैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अब और नहीं देख सकता मैं आपको परेशानी की हालत में। ये कित? शामदीद हलीमा सुल्तान, बहुत शुक्रिया गोगचे तुम्हारा। बहुत अफसोस हुआ मुझे आपके वालिद का सुनकर, लेकिन तुम्हारा भाई वो भी तो एक शहजादा है। दुआ है कि हमें मजीद किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। सलजुक के सिपाही आए हैं, कोई बुरी खबर नहीं लाए होंगे इंशाल्लाह। सुलेमान शाह ने आपको याद किया है हलीमा सुल्तान। लो बुलावा आ गया है एक नई मुसीबत का। सलजू की मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैं यहां और नहीं रुक सकता। मेरी दुआ है कि अर्तुरुल भाई और मेरी बाजी हमेशा खुश रहें। जहन्नुम में जाओ मेरी बला से। सुल्तान अलाउद्दीन के सफीर हैं ये, एरसगुन। सुल्तान अलाउद्दीन की जानिब से नई ख्वाहिशात का पैगाम लाया हूं आपके लिए। सुल्तान आप और आपके भाई की सलामती के लिए फिक्रमंद हैं। सुल्तान अलाउद्दीन को जब जब हमारी फिक्र लाहक हुई है, कुछ बुरा ही हुआ है हमारे साथ। हमारे सुल्तान आपकी खुददारी को बहुत सराहते हैं और दिल से आपकी इज्जत करते हैं हलीमा सुल्तान, और इसी वजह से आपके भाई के लिए वादी अरसियस में एक शानदार रिहाइशगाह का इंतजाम किया गया जो आपकी मलकियत होगी। शहजादे की तालीम और तरबियत का खास इंतजाम किया जाएगा। सुल्तान की ख्वाहिश है कि आप शादी करके एक बेहतरीन जिंदगी गुजारें। अब आप जैसा मुनासिब समझें। मैं शहजादे के लिए सुल्तान की पेशकश पर गौर करूंगी। जहां तक मेरी बात है तो मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ और सोच रखा है। सुलेमान शाह, आपकी इजाजत हो तो मैं इस कबीले की बेटी बनकर हमेशा यही रहना चाहूंगी। मेरा सलाम कहिएगा सुल्तान अलाउद्दीन को। मुझे इजाजत दीजिए। शहजादी की यह ख्वाहिश मेरी समझ से बालातर है। की गई पेशकश का शायद उन्हें अंदाजा नहीं है। तुम अपने नाम की तरह बहुत बहादुर हो मेरे बच्चे। बस दुदार से सेहतियाब हो जाए, फिर तुम दोनों मिलकर इंशाल्लाह तलवारबाजी करना। बहुत जल्द मैं तुम दोनों को नई तलवारें दूंगा अपने हाथों से बनाकर। बस तुम्हें अपनी बहन का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि अब वो इस कबीले की इज्जत है और इसी तरह तुम कबीले के बहादुर बेटे। बाजी। कहो मेरी जान। सुल्तान अलाउद्दीन अब हमसे क्या चाहते हैं? घबराओ मत ये कहते, सुल्तान अलाउद्दीन अब हमारे दुश्मन नहीं रहे। वाह, ये कित मुबारक हो तुम्हें, अब तुम्हें किसी का डर नहीं रहा।
लेकिन मेरे बाबा तो इस दुनिया से चले गए ना। लेने के लिए गए हैं। जलान कर ले चलो इसे। फिर उठाओ जाओ शाबाश। आराम से देख किस तरह। तुर्गुत, तुर्गुत नहीं आया साथ? तुर्गुत कहाँ है? अंदर आ सकता हूँ सरदार? आ जाओ। नकारा क्यों बज रहा है अब्दुल रहमान? वो लोग आ गए। मेरे बच्चे ठीक है ना? दुआन, बमसी और अफसिन पाशा जख्मी है और अर्तुरुल भाई की हालत नाजुक है। क्या? हाय माँ। रबी को बुला के ला, मैं अभी लेकर आता हूं उन्हें। क्या हुआ है दुआन? बमसी, हुआ क्या है? तुर्गुत क्यों नहीं आया? आज के बाद उस गद्दार का किसी ने नाम भी लिया तो जुबान खींच लूंगा, मैं कसम खाता हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम बमसी? कुछ कहने से पहले सोच लेना चाहिए तुम्हें। हमारा ये हाल सलीबियों ने नहीं किया है किस, ये सब किया धरा उसी गद्दार तुर्गुत का है। ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? तुर्गुत कभी ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं। बच्चियां बाहर जाएं। शिफा देने वाले मदद कर। बंदूक तो से जब भी मैंने उम्मीद लगाई है मायूसी हुई है मुझे। बिना बताए वो अपने भाई को इस हाल में यहां ले आया। जब अब्दुर्रहमान यहां आया था मुझे समझ जाना चाहिए था उसी वक्त। मुझे तो इसके मरने का इंतजार था, फिर मुसीबत बनकर आ गया। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। इंशाल्लाह जल्द ही खुद ही रास्ता साफ हो जाएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्तुरुल भाई पर जान निछावर करता था, ये कैसे हो सकता है? हालिमा, तुम भी जानती हो वो कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। मुझे इस सब के पीछे कुछ और माजरा लगता है। क्या हो गया है मेरे तुरगुत को? जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मेरा तुरगुत ऐसा नहीं हो सकता। मैं क्या कह सकती हूँ आर्किस, मुझे तो अकेला ही जहन्नुम लगता है। न जाने कितने मासूम कैद हैं। या अल्लाह अर्तुरुल की जान बचा ले, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी। वो तुरगुत की पोटियां नोचते थे तब भी वो अर्तुरुल भाई पर हाथ नहीं उठाता। या अल्लाह, मैं अब क्या करूंगी? आगे सबर करो। या अल्लाह मदद कर। आर्किस, जख्म अगर महबूब को लगे तो दर्द बर्दाश्त नहीं होता। बाजी, मैंने तो हमेशा उसकी सलामती के लिए दुआएं की थी। हाँ, मैं जानती हूँ गोगचे, मैं उसकी तकलीफ नहीं देख सकती। मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी बाजी? आखिर मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगी अगर उसे कुछ हो गया तो? तुम तो दूसरों को हिम्मत दिलाती हो, पर खुद ये मायूसी कैसी? हाँ, अगर मौत उसे मुझसे दूर ले गई तो मैं भी जान दे दूंगी अपनी, उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। बाबा के बाद अब क्या मुझे अपनी मोहब्बत को भी खोना पड़ेगा? क्या यही मेरे मुकद्दर में लिखा है? अब रोना बंद कर दो मेरी बहन, कुंदोग तो उसे जिंदा वापस ले आया है। इब्नुल अरबी उसका इलाज कर रहे हैं, हमें उसके लिए दुआ करना चाहिए कि वो जल्द से सेहतियाब हो जाए। बाजी, मैं सोच भी नहीं सकती उसके बगैर जिंदा रहने का। परेशान ना हो, खैरियत से है वो, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा उसे। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी सुलेमान? तुम तो बहुत बाहिम्मत हो हाइमा, तुम सिर्फ अपने बेटों की नहीं बल्कि पूरे कबीले की माँ हो।
अगर तुमने हिम्मत हार दी तो मैं जंग में अपने जवानों को कैसे भेजूंगा फिर? मेरे दिल ने बहुत दुख झेले हैं सुलेमान, इसलिए ये बहुत मजबूत हो गया है अब। मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है, मैं जा रही हूं उसके पास। बाबा बाबा अब हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे? अगर वाकई तुर्कुत सलीबियों का साथी बन चुका है तो फिर क्या होगा हमारा? अगर ये बात सच हुई तो अपने हाथों से तुर्कुत का सर काटूंगा मैं, माफ नहीं करूंगा उसे। मैंने औलाद की तरह पाला है उसे, मेरा दिल कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता कभी भी, लेकिन जब तक इस राज से पर्दा नहीं उठता हमें बहुत कुछ सहना पड़ेगा। Akan körklü suyun kuruması, kanatlarının ucu kırılması, Kadir seni namerde muhtaç etmesin. तुर्कुत ने किया है क्या ये? अर्तुरुल जंगल से तुम तीनों को जब लेकर आया था वो दिन याद है मुझे। कितने भूखे प्यासे थे, निढाल हो रहे थे, मैं कितनी परेशान हो गई थी। बिल्कुल अपनी औलाद की तरह पाला मैंने तुम्हें, लेकिन तुर्कुत ने, ये क्या किया? क्या किया ये? हमें भी कभी माँ की कमी महसूस नहीं हुई हायमा खानम, लेकिन वो हशर में उसकी गर्दन मेरे हाथ में होगी, जहन्नम की आग में चलेगा। Thank you.
ये चाल संभालो। जानते हो मेरे दोस्त ने एक बार मुझे बताया था पेट्रुशियो कि बाहुमत को कुछ टेम्पलर अपना खुदा मानते हैं और बाहुमत उन्हें हर तरह की शैतानी ताकतों तक रसाई देता है। मर्दूद जादूगरनियां उन्हें शैतान की पूजा करने पर उकसाती हैं। हमारी आंखों में आंखें डालकर जो बुज़दिल हमें हरा नहीं सकते, उनके इल्जामात हमें नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं। थॉमस, आंख मिलाकर लड़ने वाले एक इंसान को जानता हूं मैं, और वो है अर्तुरुल। और अर्तुरुल के मरने तक तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो सकती मेरे दोस्त पेट्रुशियो। कार्डिनल, खैरियत से हैं आप? हाँ, बस कुछ मामूली से मसाइल हैं अवतालिया। चाहे कुछ भी करो, इस कमसर्फ ने बाबा आजम को जो खतूत लिखे हैं वो तुम्हें पढ़ने होंगे अवतालिया। अगर कुछ हमारे खिलाफ लिखा हो उसने तो क्या करेंगे हम? फिर तो हमें सलीबी जाबाजों के इज्तम से पहले हर सूरत ठिकाने लगाना होगा इसे। आपका जो हुक्म। समझ नहीं आता कि उन मलून सलीबियों ने तुर्गुत को अपनी तरफ कैसे रागिब कर लिया। ये काफिर हमेशा साजिशों से काम लेते हैं, जंग के मैदान में सामना नहीं करते। या तो पीठ पीछे वार करते हैं और या भेस बदल कर हमारे दरमियान मौजूद होते हैं। बातों के बजाय हल निकालना जरूरी है। कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे और हम आंसू बहाते रहेंगे? वो किला सलीबी फितनों का गढ़ बन चुका है, उनका खात्मा जरूरी है। ये मर्दूद लोग चाहे यहां हो या अय्यूबी सरहदों के पास, उनकी साजिशें हमारे ही खिलाफ हैं। खात्मा तो जरूरी है, लेकिन कैसे? किले पे कब्जा करना होगा हर सूरत। कैसे कब्जा करेंगे हम उस किले पर? अगर हम उस किले का मुहासरा कर भी लें तब भी वो काफिर बाहर तो नहीं आएंगे ना। वो अंदर से ही बैठ कर हमें निशाना बना लेंगे। कुछ भी कर लें हमें मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रहा है। और ज्यादातर लोग इस हमले के हक में नहीं है सरदार। हम मैदान के सिपाही हैं हुजूर, किला फतह नहीं कर सकते। ना तो जरूरी हथियार हैं हमारे पास इसके लिए और ना ही तरबियत। जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना हो जाए सरदार। मेरे ख्याल में कारा बुदक सही कह रहा है बाबा। हम लोग किला तो फतह नहीं कर सकते, लेकिन हम दूसरे तरीकों से उनको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो गुंदुक्तु? उनके जैसे रजील और उनके जैसे शातिर कैसे हो सकते हैं हम आखिर? माशाल्लाह बहुत कुव्वत बर्दाश्त है, हिम्मत वाला है।
हलीमा। हलीमा मैं यही हूं अर्तुरुल। इसे अकेला छोड़ दे। चलो बच्चियों, अर्तुरुल के पास मैं मौजूद हूं। तुम लोग जाकर आराम कर लो कुछ देर। जाओ शाबाश। अर्तुरुल भाई को होश आ गया जनाब, खतरे से बाहर है उनकी हालत। शुक्र है खुदा का। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। शातिर और रजील बनने की जरूरत नहीं कर दोगलो, बस जरा सी जुर्रत और जहानत के साथ। ईमान की ताकत जरूरी है दिल में। अगर इनमें से एक भी चीज छूटी तो हम में से कोई भी सलामत नहीं रह पाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा ईमान सलामत है, जुर्रत भी है और हम ज़हीन भी हैं। सरदारी की ये सब खूबियां रखने वाले गुंदुगदु पर एतबार है हमें, और हमें यकीन है कि ये कारनामा ये बखूबी अंजाम दे सकता है। बहुत शुक्रिया चाचा जान, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में उन सलीबियों को उनके किले से हमें बाहर लाना होगा, वरना वो मजबूत किला हमारे लिए कब्रिस्तान साबित हो सकता है। मैदान में सलीबी हमारे सामने कोई हैसियत नहीं रखते, लेकिन वो किला सलीबियों की मजबूत पनागाह है, और अगर हमने उसको नहीं मिटाया तो उसमें छुपकर वो सलीबी चूहे शेर बने रहेंगे। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें सलजूकों और अय्यूबियों के साथ अपने इत्तेहाद को मजबूत तर बनाना होगा। हमारा ये इत्तेहाद जितना मजबूत होगा उतनी ही जल्द और आसानी से उस किले को हम कामयाबी से फतह कर सकते हैं। इसी इत्तेहाद की सूरत में हमारा उस किले पे हमला कामयाब हो सकता है। हाँ, ठीक फरमाया गुंदोगदु भाई ने, बिल्कुल ठीक फरमाया। मशवरा करने में भलाई होती है सरदार। अल्लाह सलामत रखे, बहुत अच्छा मशवरा दिया आपने। कुर्दोगलू ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हलब आने का मशवरा भी गुंदोगदो ने ही दिया था। इसी वजह से ही गुंदोगदो पे भरोसा है हमें। इन्होंने हर बार जहानत और जुर्रतमंदी का मुजाहिरा पेश किया है। बहुत शुक्रिया काराबुदक। साथियों के साथ आ पहुंचा, और अर्तुरुल उसकी सांसें चल रही थी। लानत हो, वो बच गया तो सुकून का सांस नसीब नहीं होगा। गुर्दोहलू से मालूम करता हूं सूरत हाल। अभी आराम करो, सुबह देखते हैं। तुम्हारी फिक्र हो रही थी मुझे। जिंदा आ गया हूं। खुशामदीद तुर्गुत। गलत नाम ले लिया मैंने तुम्हारा, यहूदा।
काम मुकम्मल हो गया तुम्हारा? खून में लथपथ पड़ा था वो, और उसके चेले भी, मगर सांस ले रहा था वो। अर्तुरुल जब तक जिंदा है मेरी जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी। ये दवा इतनी कसरत से इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें जागते में भी खौफनाक ख्यालात आएंगे, तुम्हारी हालत और ज्यादा बिगड़ सकती है। ईसा दौरा, रहम दिल शहजादी, तो यहां है आप? ये आप जैसी बुलंद मर्तबा शहजादी के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अगर आपकी इजाजत हो तो अर्तुरुल की गैर मौजूदगी में अलाउद्दीन की दुल्हन के जहेज का कारवां में खुद ले जाना चाहता हूं। बाबा, इस तरह एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। कैसे? हम सुल्तान अलाउद्दीन का एतमाद भी हासिल कर लेंगे और सलीबियों से भी आमना सामना हो जाएगा। मुझे पूरा शक है सलीबी इस शादी में रुकावट डालने की भरपूर कोशिश करेंगे और कारवां की राह में भी रोड़े अटकाएंगे। यानी इसका मतलब है शिकारी खुद शिकार हो जाएगा। बाबा इस वक्त सलीबियों को सबक सिखाने का और अपने कबीले के परचम को सरबुलंद करने का बेहतरीन मौका है हमारे पास, इसलिए मैं ये अहम काम अपने हाथों से सर अंजाम देना चाहता हूं। ठीक है, अल्लाह तुम्हारा मददगार हो। आमीन, बहुत शुक्रिया बाबा। हाय मखाना, आओ बेटी। मखाना, बहुत थक गई हैं आप, आराम कर लीजिए। मैं हूं अर्तुरुल के पास ख्याल रखने के लिए। दुनदार को भी जरूरत है आपकी। मां होना आसान नहीं होता अली मां। जब तुम मां बनोगी तब तुम्हें अंदाजा होगा कि औलाद की चाहत क्या होती है। औलाद चाहे कहीं भी रहे लेकिन मां का दिल उसी के साथ ही धड़कता है। अर्तुरुल का ख्याल रखना बेटी। आप बेफिक्र हो जाए हाय खानम,
किया था कि तुम मुझे किसी भी हाल में किसी के हवाले नहीं करोगे, और तुमने अपना वादा निभाया अर्थुरल। तुम्हारे भरोसे ने मुझे उस वक्त जिंदा रहने का हौसला दिया था जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। मैंने तब हार नहीं मानी थी, और अब तुम हार नहीं मान सकते। वापस आ जाओ अर्थुर, तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। अच्छा, तो मुझसे सुल्तान अलाउद्दीन और शाम की शहजादी की शादी की बात छुपाई जा रही थी। जब ये कारवां कोनिया से चला भी नहीं था, हमें तब से इसका इल्म है। ये शादी पानी फेर देगी हम लोगों के मंसूबों पर कुर्दोगलू, और इसका नुकसान तुम्हें भी होगा। ये कारवां मलिका शाम तक कभी नहीं पहुंचेगा। नहीं होने दूंगा मैं ऐसा। कारवान की हर खबर है मेरे पास, और ये भी मालूम है कि सुल्तान ने काय कबीले से मदद तलब की है, लेकिन मुझे बस एक शख्स खटक रहा है। अर्थुरुल, वो कारवां की हिफाजत नहीं कर सकता, क्योंकि वो जख्मी पड़ा है और शायद ही जिंदा बचे। तुरुगुत ने तो अपनी पूरी कोशिश की थी उसे हमारे रास्ते से हटाकर जहन्नम वासिल करने की, लेकिन फिर भी वो बदबख्त जिंदा बच गया। जो भी कारवान के साथ जाएगा जिंदा नहीं आ पाएगा वो वापस। कारवान से हम निपट लेंगे। कबीले में तुम अपने कदम मजबूती से जमा लो, बाकी सब हम पर छोड़ दो। अर्थुरुल की जो हालत है इस वक्त, सुलेमान शाह को गिराने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। मेरा सब्र भी अब जवाब दे चुका है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं रोज बरोज। आज नहीं तो कल हर एक ही बात जान जाएगा कि तुमसे राबते में हूं मैं। ठीक है, जानकर खुशी हुई कि हम दोनों की सोच एक जैसी है, मगर उन दोनों को तुम्हें पहले मेरे हवाले करना होगा। यानी इब्नुल अरबी और शहजादा यगित। तो आपकी तिला के लिए अर्ज है कि इब्नुल अरबी तो कल रवाना हो रहा है, और उसके साथ एक दरवेश के अलावा और कोई नहीं होगा। बेहतरीन। और वो शहजादा यगित, उसकी आप फिक्र न करें, वो खुद चलकर आपके पास आएगा। मुझे मत बताओ, मुझे पता है तुम्हें सबसे ज्यादा मुझ पर भरोसा है, फिर भी बाबा के हुक्म के बारे में तुम मुझे कुछ मत बताओ। सेलजान, कैसी बातें कर रही हो? यहाँ हमारे अलावा और कौन मौजूद है? दीवारों के भी कान होते हैं। अल्लाह महफूज रखे तुम्हें दुश्मनों से। सोचो, अलाउद्दीन ने बसाते खुद खास अपना इलची भेजकर बाबा से मदद मांगी है। उसे इनकार तो नहीं किया जा सकता ना, लेकिन असल बात यह है कि बाबा ने तुम्हें इस जिम्मेदारी का अहल समझा। इन बदलते हालात का तुम्हें बखूबी अंदाजा है कुंदुक्तू। तुमने मुकाबला करके सलीबियों को शिकस्त दी, और अपने भाई और जवानों को बचाकर कबीले वापस लेकर आए। बेहतरीन खरीदार ढूंढा मवेशियों के लिए तुमने। तरक्की और खुशहाली लेकर आए हो तुम इस कबीले के लिए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ कुंदुक्तू? हाँ, सब समझ रहा हूँ मैं। ये सब तुम्हारे और आने वाले बच्चे के लिए, मगर एहतियात मुकद्दम है। सिपाहियों को भी मत बताओ कि कारवां की मंजिल क्या है और किस मकसद से जा रहे हो। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, कर किसी को खबर हो गई और उसने ये बात सलीबियों तक पहुंचा दी तो फिर? और चाचा? उनसे तो बहुत मोहतात रहने की जरूरत है कुंदुक्तू। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि तुम कोई तरकीब करके उनके खरे या खोटे होने का यकीन कर लो, ताकि बाद में नुकसान ना हो। तुम्हारे सरदार बनने के बाद वही करीब होंगे, और अगर वो भी भरोसे के लायक ना हुए तो तुम्हारी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है।
तो फिर तुमने क्या सोचा कुंदुकदू? रवाना होने से पहले चचा को जरूर बताऊंगा। लेकिन पूरा सच नहीं। अच्छा तो तुम उन्हें अपना मंसूबा बताकर परखना चाहते हो? अगर चचा गद्दार है तो सलीबियों को मुखबरी करके जरूर मेरे लिए जाल बिछाएंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें मारना मेरा हक होगा, और अगर वो गद्दार नहीं तो मेरी सरदारी में सबसे ज्यादा मददगार साबित होंगे। बच्ची, बाबा तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, बहुत खतरा है। आपको यहाँ से निकालने का एक रास्ता मिला है मुझे। शिफा देने वाले, इसे शिफा याब कर। आमीन। अल्लाह ने अपना करम कर दिया बेटी, लेकिन बहुत ख्याल रखना होगा तुम्हें। अब हम रवाना होते हैं। अगर आप कुछ दिन और रुक जाते। इत्मीनान रखो बेटी, ये बहादुर बहुत दुआओं के इसार में है। मैं एक अमानत सुपुर्द करना चाहता हूं तुम्हारे, अर्तुल के सेहत याब होने के बाद इसके हवाले कर देना, लेकिन हरगिज उसे खोल कर मत देखना। अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करूंगी उसकी। बहुत अच्छी तदबीर निकाली है तुमने। काई कबीले के जंगजू बहुत कुछ कर सकते हैं, और इंशाल्लाह कामयाबी की सूरत में ये जवान भी नशे के अजाब से बच जाएगा। मैं उनको लेकर ही आऊंगी बाबा, और आप यहाँ से आजाद हो जाएंगे। शेख इब्नुल अरबी से मुलाकात का शरफ हासिल हो तुम्हें तो उनसे कहना कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। हर वक्त उनके लिए दुआ गो हूं मैं, वो मेरे मोहसिन है। अल्लाह तुम्हारी मदद करे मेरी बच्ची। खुदा हाफिज बाबा। कुछ दिन की बात है, बहुत जल्द हम साथ होंगे। Thank you.
आई किसका क्या करें भाई, वो तो हमें ही दुश्मन समझ रही है। मुझे लगता है ये भी उस गद्दार के साथ जा मिली है। ऐसा तो नहीं कि कहीं ये हमारी मुखबरी कर रही हो। बस करो। क्यों बस करूं बंसी? अगर मैं तुम्हें आकर ये बताता कि तुर्गुत ने अर्तुरुल भाई पर हमला किया है तो उसी वक्त मैं तुम्हारा गला दबा देता। हाँ, उसने भी वही किया। लेकिन भाई हमें कैसे पता चलेगा कि आइकिस गद्दार है या नहीं? पहले तो जाकर तुर्गुत को पकड़ना है, फिर उसके बाद उसको उल्टा लटकाएंगे और एक एक सच उगलवाएंगे उससे। अगर उसने मुंह ना खोला तो उसके गोश्त के टुकड़े टुकड़े करके स्याह होने तक पकाएंगे और कहेंगे ये रहा तुम्हारा तुर्गुत। उसने खा लिया तो? याद है जब सलजान ने आइकिस को कोड़े मारे थे, उन कोड़ों की तकलीफ मामूली लगेगी। मैं उसके साथ वो करूंगा कि जिसका वो अंदाजा भी नहीं कर सकती। अगर खुदावंद से अपने गुनाहों की माफी चाहते हो तो मदद करो मेरी। मैं मदद करने के लिए तैयार हूं आपकी। मुझे किले से बाहर जाना है। मगर फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। आप कहां जाएंगी? काई कबीले, अर्तुरुल को ढूंढने और आइकिस को तुर्गुत की खबर देनी है। उसकी मंगेतर है वो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आ जाए अंदर। जब से मैंने होश संभाला है तब से उससे मोहब्बत की है मैंने। वही सब कुछ है मेरा, और उस शख्स को मुझसे ज्यादा कोई भी नहीं जान सकता। एक साथ जिंदगी गुजारने के अहद और पैमा किए हैं हमने एक दूसरे से। उसके बिना मेरी जिंदगी ऐसी है जैसे बिन पानी की मछली। मछली जब पानी से बाहर आ जाती है तो वो अपनी जान दे देती है। ये दुनिया उसके बिना मेरे लिए कब्र से ज्यादा कुछ नहीं। मैंने उससे वादा किया था कि अगर मैं किसी और का सोचूं भी तो मौत आ जाए मुझे। मैं उस पर कुर्बान कर सकती हूं अपनी जिंदगी, लेकिन अगर तुर्गुत ने हकीकत में ऐसा किया है तो उसकी जान मैं अपने हाथों से लूंगी। अगर आप उस गद्दार के पीछे गए और मुझे अपने साथ ना लेकर गए तो याद रहे आपको कभी माफ नहीं करूंगी मैं। सलीबी किले में तशद्दुद के दौरान एक अजीब किस्म का पानी पिलाया जाता था, नीले रंग का। बेपनाह तशद्दुद झेला है उसने। कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है, मगर अल्लाह ही बेहतर जानता है। रवानगी का वक्त आन पहुंचा है। मैं शर्मिंदा हूं कि हम अच्छी तरह से आपकी खिदमत नहीं कर पाए। ऐसा न कहें। दोबारा कब तशरीफ आवरी होगी? बहुत जल्द इंशाल्लाह। मुंतजर रहेंगे।
अल्लाह हामी नासिर हो आपका। दुआओं की सख्त जरूरत है हमें आपकी। दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी हमारी। शुक्रिया। शाबाश, बहुत आला, शाबाश। खूब, बहुत खूब जवानों। बहुत आला निशाना है, शाबाश। हमजा, इन जवानों के वालिदैन से इजाजत तलब कर लो और मुलाकात करवा दो, ताकि ये अपने बच्चों और घर वालों से अच्छी तरह मिलने और जंग के लिए तैयार हो जाए। जी भाई, समझ गया। ये तो है गुंदूकदू, क्या शिकार का इरादा है? कुछ छुपा भी है कभी आपकी नजर से? अगर छुपाना चाहे भी कोई तो कुर्दोगलू से नहीं छुपा सकता। अच्छा, तो फिर कहां की तैयारी है? क्या दोबारा सलीबियों से महाजाराई करने के लिए जा रहे हो खामोशी के साथ? मुझे नहीं बताओगे क्या इरादा है? आप पर पूरा एतमाद है मुझे। मेरे लिए बाबा के बाद आप ही तो बड़े हैं। तो फिर कुछ तो बताओ मुझे, ये सब तैयारी किस लिए? अलाउद्दीन के एलची आ रहे हैं, हमें उनसे बुरसा की पहाड़ी पर मिलना है और बाहिफाजत शाम तक पहुंचाना है। अलाउद्दीन शाम के अमीर की भतीजी से शादी का ख्वाहिशमंद है। वाह वाह वाह, बहुत बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा है। तुम्हें दोबारा से आग में झोंका जा रहा है, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि सलीबियों को अगर इसकी भिनक भी पड़ गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इस बात का किसी से जिक्र न करके बहुत अच्छा किया तुमने, क्योंकि जब तक हम अंदर मौजूद काली भेड़ों को न पहचान लें, हर कदम हमें बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। हाँ, कोई और बात तो नहीं करनी तुम्हें उससे? नहीं, और तो कोई बात नहीं, बस दुआ कीजिएगा। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं गुंदूकदू। बहुत शुक्रिया। तुम अब रवाना हो जाओ और कोहे बुरसा पे घात लगा लो। मैं शाम दूसरे रास्ते से होता बचाऊंगा। अगर सलीबियों में से या कुर्दोगलू के आदमियों में से भी कोई आसपास नजर आए तो गर्दन उड़ा देना, सोचना नहीं। जैसा आपका हुक्म भाई। देखते हैं अब कि क्या वाकई चचा गद्दार है या वफादार।
इब्नुल अरबी को मारने के लिए पूरे लश्कर को क्यों भेजा आपने? तुम्हारे लिए बहुत से अहम काम सोच रखे हैं मैंने। एक बूढ़े और दरवेश को मारना तो बहुत मामूली सा काम है। हुक्म कीजिए। सुल्तान अलाउद्दीन ने काई कबीले की हिफाजत में शाम की शहजादी का रिश्ता मांगने के लिए कारवां रवाना किया है। उसके एलची, उसका कारवां और ना ही उसकी हिफाजत पर फाइज कुंदोक्तु, कोई भी जिंदा नहीं पहुंचना चाहिए टाइटोस वहां। बिल्कुल ऐसा ही होगा। अफतालिया, एक काम तुम्हारे लिए भी है। हर हाल में कार्डिनल का लिखा मरासला तुम्हें हासिल करना है आज रात। कार्डिनल जब इस दबा के जेरे असर गहरी नींद में होगा, हम उसकी तहरीर सतर दर सतर पढ़ लेंगे। अगर उसने हमारे खिलाफ बकवास लिखी होगी तो उसकी नींद को अबदी नींद में बदल देंगे। उसके बाद तुम शाम रवाना हो जाओगी। अगर हाथ से सूरत हाल निकल जाती है तो कोई भी साजिश करके तुम कोनिया रवाना हो जाओगी और दुल्हन को महल से नहीं निकलने दोगी। से दुआ है कि वो तुम सब पर रहम करे। तुम्हारे पास जो मुकद्दस अमानतों वाला संदूक है, जिसमें मौजूद चीजों को आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा, उसे हमारे हवाले कर दो। अगर हमारे हवाले नहीं करोगे तो हम मजबूर हो जाएंगे जबरदस्ती पर। इंसान को किसी इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ मांगना ही है तो उसके लिए तुम्हें लौ लगानी पड़ेगी अपने रब करीम से। अल्लाह के कुर्ब के लिए रूह का पाक होना जरूरी है। खुदा तुम्हें हिदायत अता करे। नीचे रखो ये सामान। संदूक कहाँ है? वो यहां है। अगर तुम जानना चाहते हो तो बयान कर देता हूं मैं, और अगर तलवार के जोर पे हासिल करना है तो फिर जैसे तुम्हारी मर्जी मेरे बच्चों। छोड़ दो हजरत का रास्ता, इन्हें अपनी राह जाने दो। जान से मार दो इसे। मेरी आंख लग गई थी। तुम सारी रात नहीं सोई हाय मां?
जाओ आराम करो जाके। मैं यही हूँ इसके पास। अर्थरुल को देख आया हूँ। बहुत बेहतर है वो। या अल्लाह तेरा शुक्र, बहुत शुक्र है। जाओ आराम करो जाके। और वो कुर्दोगलू की खबर आई? नहीं, कुंदोगदो के मंसूबे का नतीजा शाम तक मालूम होगा। अल्लाह से मेरी दुआ है कि कुर्दोगलू को जैसा हम समझ रहे हैं वो वैसा ना निकले। इंशाल्लाह सुलेमान, इंशाल्लाह। अगर वो गद्दार निकला तो मैं उसे इसकी बहुत कड़ी सजा दूंगा, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो मैं अपने भाई से जाकर खुद माफी मांग लूंगा कि मैंने गलत सोचा उसके बारे में। मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई। माफ कर दे मुझे। अपने जैसा दरवेश बना दे मुझे। पूरी जिंदगी वफ कर दूंगा मैं। खींचकर यहां पर फंसा दो, इसे अलग अलग करो ताकि ये सूख जाए। तुम जाके जरा दूसरा काम देखो। गुंडोगदू आया था तुम्हारे पास? आया था। बेवकूफ समझ रहा है कि मैं उसके जाल में फंस गया हूँ, लेकिन ये उसकी गलतफहमी है। लेकिन अब उसे अपने चाचा पर भरोसा करना ही पड़ेगा और वही मेरी सच्चाई की गवाही देगा। लगता है उन्हें शक हो गया हम दोनों पर। हाइमा खानम को परेशान मत हो, सब शकों को शुभात दूर हो जाएंगे। वो कैसे? मौसम बाहर की आमद है सजान खातून। अपने इर्द गिर्द देखो, हंसो मुस्कुराओ। कहानियां मत सुनाओ मुझे, काम की बात करो। तो सुनो, कबीले का गद्दार आज सबके सामने बेनकाब हो जाएगा, उसके बाद देखना क्या होता है। लेकिन कैसे सामने आएगा? अर्थरुल की लाश के पास। अब खुश हो जाओ तुम। बैठो यहां। तैयारी मुकम्मल है?
बिल्कुल मुकम्मल है, बेफिक्र हो जाएं, आज काम हो जाएगा। बात खूब। खोलो इसे। बहुत शुक्रिया आपका। अर्तुल को मारने के बाद और इनाम मिलेगा। क्या करोगे तुम इतनी दौलत का अल्परगो? मुझे कबीले में सबसे ज्यादा मवेशियों का मालिक बनना है। इसको मालूम ही नहीं कि इसके साथ क्या होने जा रहा है। तुम्हारी कुर्बानी रहेगा ना जाए। बहुत खूब शहजादी साहिबा। तो फुर्सत मिल गई आपको बाहर आने की। शहजादी हलीमा तो शायद हमें अपने काबिल ही नहीं समझती है। कलाम करना तो दूर की बात, और मशहूर यह है कि मैं तो कबीले की बेटी बनकर रहना चाहती हूँ। कुछ भी कर लो, हाथ नहीं आएगा अर्तुरुल। सलजान खातून, आपकी ये बेतुकी बातें मेरी समझ से बाहर है, लेकिन चूंकि आपने अभी एक दुख सहा है, इसलिए मैं आपसे गुस्ताखी नहीं करना चाहती। तुम्हें तो फरिश्ता बनने का बहुत शौक है ना? अगर दूसरों के जज्बात का इतना ही एहसास है ना तुम्हें, तो क्यों दुखाया मेरी बहन का दिल? है कोई जवाब? आपकी बहन के साथ मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने तो कोक्चे के बारे में ना ही कभी बुरा कहा और ना ही कभी सोचा। खूब जानती हूँ मैं तुम्हारी जैसी महल से भागी हुई लड़कियों को। तुम्हारी जैसी तो कितनी मिल जाती है। घाट घाट का पानी पिया है हमने। अंदाजा हो रहा है मुझे इस बात का अच्छी तरह सलजान खातून। मैंने पहले ही दिन समझा दिया था तुम्हें कि ये कबीला तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं। अपने लिए कोई और जगह ढूंढो और जाओ यहाँ से। मेरा खदशा सही निकला। सारी मुसीबतें तुम्हारी वजह से आई हैं, और अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं यहाँ सिर्फ उसकी वजह से हूँ जो मुझसे मोहब्बत करता है। गोकचे के साथ ना मैंने बुरा किया है कभी, ना आप चाहती हूँ। और बाबा की जुबान? कुछ समझी नहीं मैं। गोकचे की शादी अर्तुरुल के साथ ही होगी, ये उनकी वसीयत है। कुछ भी हो जाए, अर्तुरुल उनकी हुकूमत उली कभी नहीं कर सकता। अगर तुम ये नहीं जानती थी तो या तो तुम अंधी हो, या इरादे नेक नहीं तुम्हारे, या फिर इसने तुम्हारी अक्ल पर पर्दा डाल दिया है। मुझसे अर्तुरुल मोहब्बत करता है सलजान खातून। मैं उसकी खातिर तख्त और ताज सब ठुकरा चुकी हूँ। उसके सिवा मुझे कोई यहाँ से नहीं भेज सकता। उसी के कहने से मैं यहाँ आई हूँ, और अगर वो कह देगा तो चली जाऊंगी, लेकिन सिर्फ उसी के हुक्म पर। उसके सिवा मेरी नजर में किसी के हुक्म की अहमियत नहीं। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी। जाहिर है तुमसे उस वक्त तक छुटकारा नहीं मिलेगा। या तो तुम्हें यहां से निकाल दिया जाए, या फिर अर्तुरुल को कुछ हो जाए। और ऐसा जल्द ही होने वाला है। की अमान में रहो फरजत। इंशाल्लाह बाबा। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर। आमीन।
चलो जवानों, बिस्मिल्लाह। बड़ी जिम्मेदारी है भाई, अगर बंदूक तो कामयाब हुआ तो सरदारी का यही हकदार होगा, और इसने कई बार साबित किया है कि आपका जानशीन बनने का असल हकदार वही है। तुम्हें इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है? मैं कबीले का मुस्तकबिल इसी के हाथ में देख रहा हूँ सुलेमान। मैंने जब देखा कि तुम गलत रास्ते पर हो तो मैं अपने भतीजे के साथ खड़ा हो गया। कोई तो उसका हमदर्द हो जो अच्छे और बुरे की तमीज सिखा सके उसे। ये क्या कह रही हो तुम करदोगलो? आप तो जानते हैं कि मैं लगी डिप्टी नहीं रखता, और ना ही मैं गलत बयानी करता हूँ। आपने गलत घोड़े को मैदान में उतारा है। जानते हैं आपसे कहाँ गलती हुई है? सुनना चाहेंगे? जब आपने अर्तुरल को एलची बनाकर हलब रवाना किया था उस वक्त। लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं अभी मरा नहीं हूँ कुर्दोगलू। कबीले का मुस्तकबिल सिर्फ तुम्हारी जिंदगी से मशरूत नहीं है सुलेमान। मैं अपने लिए तो कुछ भी नहीं चाहता। एक न एक दिन सबको मरना है, कोई नहीं बचेगा। लेकिन मुझ में अभी इतनी अकल है कि जो मुझे अपना कबीला, जिसकी खातिर मैंने अपनी बीवी बच्चों की कुर्बानी दी, उसको तुम जैसे खुद गर्ज इंसान को सौंपने से रोक दिया, जो एक औरत के इशारे पर चलता है। जाबाज तैयार है टाइटस? जी उस्ताद आजम, वो मैदान में मुंतजिर हैं। शाबाश, तुम ये काम खत्म करके यहूदा के साथ जाकर आर्तुरल को भी उसके अंजाम तक पहुंचा दो। बिस्तर से नहीं उठना चाहिए दोबारा। इस काम को पादरियों के इजलास से पहले अपने अंजाम तक पहुंचा दो। जैसा आपका हुक्म। इजाजत देने का शुक्रिया चाचा जान। इजादोरा, ये घोड़ा पुरसुकून और बहुत समझदार है, फिर भी अपना ख्याल रखना प्यारी भतीजी। शुक्रिया आपका। ये सफर अच्छा गुजरे तुम्हारा। जब तक इस कबीले में आप जैसा ज़हीन और काबिल शख्स मौजूद है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज है कुर्दोगलू। शुक्रिया कुतलू। काराबुदक, क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। जितनी मेरी उम्र है उतनी तुम जंगें लड़ चुके हो, बहुत खिदमात हैं तुम्हारी इस कबीले के लिए। यही वजह है कि हम सब तुम पर भरपूर एतमाद करते हैं। लेकिन ये लिहाज में कुछ नहीं कह रहा, मैं ही बता देता हूं। तो तुम लोग कुछ सोच कर आए हो तो फिर कह दो। अगर बात सुलेमान शाह की है तो हमें दोबारा सोचने की जरूरत है। यह आप भी बेहतर समझते हैं कुर्दोगलू। तो तुमने रात भर चमगादड़ों की तरह गुफ्तगू की इस मौजू पर, तो क्या नतीजा निकला फिर? कुर्दोगलू को क्यों सरदार बनाना चाहते हैं आप खुद क्यों नहीं सरदार बन जाते? असल में मुझे ये तख्त ताज और माल दौलत की ख्वाहिश नहीं है। अगर होती तो मैं जिरगा तलब करके तब ये काम करता जब कबीला मुश्किल में था। लेकिन गुंदोग दो क्यों? आपको इससे क्या फायदा होगा? तुम्हें ये बात उस वक्त समझ में आएगी
जब अपना रेवड़ फरोख्त करके अशरफियों से अपनी जेबें भर रहे होगे, सिर्फ तुम लोग ही नहीं बल्कि वो सब लोग जिन्होंने अपनी औलाद, अपना शौहर और अपना सब कुछ अर्तुरुल और उसके बाप की वजह से खो दिया, वो सब भी देखेंगे। एक शख्स मरता है लेकिन अपने पीछे पूरे कुनबे को रोता छोड़ जाता है। हमारा कबीला यतीमों, बेवाओं और गोदुजड़ी माओं से बहुत भर चुका है। क्या हमें ऐसा सरदार चाहिए जो लोगों को जंगों पर उकसाता हो, या फिर कोई ऐसा शख्स जो जिंदगी की उम्मीद दिलाए और कबीले में खुशहाली लेकर आए? सरदारी न्याम में तलवार रखकर मजबूती से हुकूमत करने का हुनर है, या मुसलसल हाथ में तलवार थामे खून खराबा और खौफ की फिजा कायम करने का नाम है? सुलेमान, आप ठीक है ना? ठीक हूं मैं, लेकिन अब कोई भी चीज पहले जैसी नहीं रही है हाइमा। कुर्दोगलू ने आज आंखें खोल दी है मेरी। क्या कह रहे हैं समझी नहीं मैं। चाहे आपकी अपनी औलाद क्यों ना हो, लेकिन जब सरदारी की बात आती है तो इंसान के अंदर का तकब्बुर खुद ही जाहिर होने लगता है। जो कुछ भी हम किस्से कहानियों में सुनते आए हैं वो सब कुछ हमारे इर्द गिर्द हकीकत में हो रहा होता है। लेकिन अब आंखें खुल चुकी हैं मेरी, अब मैं सब कुछ देख सकता हूँ। क्या नजर आया आपको, क्या देख रहे हैं आप? जब सरदार बूढ़ा हो जाता है कबीले में बहुत सारे गद्दार सर उठाने लगते हैं, फिर कोई भी तूफान धीमा नहीं पड़ता। और मैं समझता हूं कि वही बेहतर वक्त होता है सरदार के लिए मनसब छोड़ने का। सुल्तान अलाउद्दीन और शाम की शहजादी की शादी बहुत अहमियत की हामिल है गुंदोगदू। उन्होंने ऐलान किया है कि शहजादी से होने वाली औलाद ही तख्त की वारिस होगी, ताकि तमाम अय्यूबियों और सलजुकों का आपस में सलीबियों और मंगोलों के खिलाफ इत्तेहाद मजबूत हो सके और हमेशा कायम रहे। मैंने सुल्तान अलाउद्दीन के भेजे गए तहाइफ देखे हैं, 9 घोड़े, 9 कप्तान और 9 गुलाम और न जाने क्या कुछ हो साथ। ये सलजुकों के लिए फायदेमंद साबित होगा। अरसगुन, ये एक मुश्किल लेकिन दुरुस्त फैसला है। अब मुझे समझ आ रहा है कि आप लोग क्यों इस कारवान को खुफिया रखना चाह रहे हैं। लेकिन कुफार को अगर इसकी जरा सी भी खबर हो गई तो वो इसे रोकने की कोशिश करेंगे किसी भी तरह। बहुत शुक्रिया। और कुर्दोगलू? वैसे मुझे तो उन पर पूरा भरोसा है, लेकिन बाबा और अर्तुरुल को उनके बारे में शकूक शुबहात हैं कुछ। सुलेमान शाह ने जब उन्हें उताक से जाने का कहा और मुझसे गुफ्तगू उन्होंने अकेले में की थी, तभी मुझे अंदाजा हो गया था कि कोई ना कोई मसला है गुंदोगदू। कुर्दोगलू के साथ मैंने जंगें लड़ी हैं, वो बेहतरीन जाबाजों में से एक है और काफी बहादुर आदमी है। और फिर वो कितने सालों से तुम्हारे बाबा की खिदमत कर रहा है। मुझे यकीन है तुम्हारे चचा इंशाल्लाह तुम्हारे इस इम्तिहान में जरूर कामयाब होंगे। शुक्रिया अरसगुन,
अब आप जब चाहें सफर के लिए रवाना हो सकते हैं। हम तैयार हैं गुंदोक्तु, लेकिन पहले खाना खा लेते हैं हम। मंजिल बहुत दूर है। हाँ ये तो है, चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। चाचा जान, सुबह बखैर। किससे मिलना है तुम्हें? आइकिस से। आइकिस से? उसका बाप हूं मैं। तुम कौन हो बेटी? मैं सलीबियों के किले से आई हूं। मेरा नाम इज़ादोरा है। उस्ताद आजम पेट्रोशियो की भतीजी हूं मैं। तुर्गुत की खबर देनी है। क्या मतलब वो भाग गई? अकेले कहां जा सकती है वो? बताओ कहां है? उन्होंने घोड़े की रस्सी खोली और हमें बताए बगैर कहीं चली गई। जहन्नुम में जाओ तुम सब। भाई कोई नहीं आ रहा और हमें वापस भी पहुंचना है। सफर बहुत लंबा है हमारा। ठीक कह रहे हो, वापस चलते हैं। सिपाहियों को तैयारी का कह दो, जल्दी करें। गुंदोग्दु भाई वहां इंतजार कर रहे होंगे हमारा। इसका मतलब गुंदोग्दु खतार नहीं है। या अल्लाह तू ही खताओं को माफ करने वाला है। समझने में गलती हो गई हमसे। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, चलो अब रवाना होते हैं हम। कहाँ है वो? वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुकी है पेट्रोशियो। कितने बेरहम कातिल हो तुम, कितने बड़े शैतान हो, और ये भी कि तुमने मुझे कैद किया हुआ है। कैसे कैसे वो तुम्हारे बारे में जान गई? तुम ये कभी नहीं जान पाओगे। इब्नुल अरबी का राज जान चुका हूं मैं, अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। उनका राज जानने के लिए पहले तुम्हें इंसान बनना पड़ेगा। तुम्हारी बेटी और तुम्हारा किस्सा खत्म। जुवानी, मेरी बेटी तुम्हें जीतने नहीं देगी पेट्रोशियो।
जो तुर्कुत ना कर सका मैं कर दिखाऊंगा आज। हम रात यही कयाम करेंगे। रजा, तमाम अफराद को मुत्तला किया जाए। हिफाजती इकदाम करने के बाद पहरेदारों के अलावा सब आराम करें। जैसा आपका हुक्म। घोड़ों को दरिया के किनारे खुला छोड़ दो और सुल्तान के ताहिफ वाले घोड़ों को बाकियों से अलग रखा जाए। जी समझ गए भाई। Thank you.
हम अपने भाइयों का खून कभी माफ नहीं करते टाइटस, और हम लोग भी। कुंदुकदू जंग तो अभी शुरू हुई है। अच्छा, लेकिन याद रखना, अगर हमारा एक आदमी भी जिंदा रहा तो ये जंग तुम्हारे लिए कभी खत्म नहीं होगी।